नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर सामने आई है जैतारण से। क्षेत्र के भाकरवास गांव स्थित राजकीय महाविद्यालय के छात्रों का छात्र हितों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं उपखंड स्तरीय अधिकारियों को समस्या की जानकारी होने के बाद भी धरना स्थल पर कोई अधिकारी मौके का मुआयना करने नहीं पहुंचा, जिससे नाराज छात्रों ने महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। साथ ही मामले की जानकारी मिलने पर जैतारण पुलिस हेड कांस्टेबल मनोहर लाल खोजा और महाविद्यालय के प्राचार्य संपूर्णानंद राखेचा ने धरना प्रदर्शन की जानकारी ली और वहां स्थल पर पहुंचकर छात्रों से समझाइश की, लेकिन जो छात्र हैं वो अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर अड़े हैं। चलिए सुनते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का इस पूरे धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कहना है। बैठे हम 2015 से जो बच्चे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ एक तो बस स्टैंड नहीं है, बसें रुकती नहीं है, बच्चे यहाँ से 6-7 किलोमीटर पैदल जाते हैं। फिर भी जो सरकारी महकमे हैं उनकी कानों में जूं तक नहीं रहेंगी है। और बच्चे पिछले 3 दिन से यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, रात को भी यही है, ठीक है। उसके बजाय यहाँ पे कोई नहीं आया है और हर बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है। अभी 23 तारीख को हम यहाँ से सब बच्चे पैदल चल के 7-8 किलोमीटर इसको रोका था पहले, और फिर यहाँ से पैदल गए थे हम जैतारण चल के। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इनको, ना कोई काम हो रहा है। कोई कह रहा है NHI का काम है, कोई कुछ कह रहा है। तो आप सरकारी महकमे में बैठे हो, आप नहीं पहुंचाओगे हमारी बात तो कौन पहुंचाएगा। छात्रों ने अपनी समस्याओं को आगे रखा। उन्होंने कहा कि 2015 से हमारी छात्र शक्ति संघर्ष कर रही है और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोरा आश्वासन दिया गया, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक संघर्ष जो है वो जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। चलिए अब हमने छात्रों की समस्याओं को सुन लिया, अब हम सुनते हैं प्राचार्य से कि जो प्राचार्य है महाविद्यालय के, उनका इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहना है। धरने पे बैठी होगी, इनकी मांगे बिल्कुल जायज है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी मांग है वो ये है कि ये जो NH 112 है, यहाँ पर विगत दिनों में स्टूडेंट्स के एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक स्टूडेंट की पिछले साल डेथ भी हो गई थी। तो ये हाईवे निश्चित रूप से खतरनाक है। इस बारे में इन्होंने 23 तारीख को भी ज्ञापन दिया, पिछली 23 तारीख को हमने जहाँ जहाँ फॉरवर्ड करना चाहिए उसको फॉरवर्ड किया, कल भी इन्होंने ज्ञापन दिया तो फॉरवर्ड किया। अब NHAY वाला मामला एक दिन में हल नहीं हो सकता। ये चाहते हैं कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी आकर के इनको आश्वासन दें, बच्चे भी मांगते हैं, और कि भाई इनका मुझे जो समझ में आया बातचीत करके उनका यही था कि मैंने कहा भाई पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, अपने गेस्ट फैकल्टी के टीचर्स आए हुए हैं, मेहमान हैं, कभी भी भाग जाएंगे, आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे हो, क्यों पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो। पर ये कह रहे हैं कि प्रशासन तभी सुनेगा हमारी जब हम कुछ इस तरह का तालाबंदी जैसा निर्णय लेंगे। जैसा कि महाविद्यालय के प्राचार्य ने साफ कहा कि जो छात्रों की मांग है वो जायज है, उसमें कुछ भी नाजायज नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, जो छात्र मांग कर रहे हैं वो जायज है, लेकिन वो ये बात भी सामने रख रहे हैं कि किसी भी समस्या का जो हल है वो 1 या 2 दिन में होना मुमकिन नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि जो छात्र हैं वो अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।